अरे ये क्या, क्लोज क्यों है? कहीं चला गया है क्या? क्या बात है राकेश भाई, यहाँ क्यों खड़े हैं? वो रिचार्ज करवाने आया था, पर दुकान तो क्लोज है। आपको पता नहीं है क्या, इधर काफी दिनों बाद आए हैं क्या? हाँ, एक आध हफ्ता तो हो ही गया होगा, पर क्यों, क्या हुआ, क्या हैपेंड? अच्छा, तभी तो, वो हमारा समीर 4 दिनों पहले ही मर चुका है। व्हाट कह रहे हो? हाउ? बस अचानक से सीने में दर्द होने लगा, उसके बाद सब खत्म। उसी दिन से दुकान बंद पड़ी हुई है उसकी। यस यस यस, ऊपर वाले यस। आप इतने स्टारफिश क्यों हैं? क्या स्टारफिश? स्वार्थी। अरे अंग्रेजी कम समझते हो क्या? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वो सेल्फिश होता है। बड़ा आया मुझे अंग्रेजी सिखाने वाला। ओ ओके ओके, आई सोच रहा हूँ कि समीर के हाउस गो जाऊँ, सुनकर वेरी सैड लगा भाई। हाँ, मैं भी अपने काम पर गो करता हूँ, मतलब जाता हूँ यहाँ से। बहुत देर हो गई ना बेटी, जरा उठकर खाना बना लूं। आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने चढ़ा दिया है। आप पहले दूध पी लीजिए, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया। आहा, देखकर ही शांति मिल रही है। बहुत चिंता हो रही थी आरती और बेटियों की, पर मैं भूल गया था कि मेरी बेटियाँ अब बड़ी हो चुकी है। लगता है ये यही समीर का हाउस है, अब बस घर के अंदर जाकर क्राय करके नाटक करने पर ही काम बन जाएगा। ओ समीर बॉयफ्रेंड, क्यों, आखिर क्यों तुम इसी एज में डाय हो गए? वेरी दुख की बात है, वेरी दुख की। सिस्टर, मैं राकेश, आप मुझे नहीं जानती, मैं आपके हर टाइम का अच्छा फ्रेंड हूँ। सब बकवास है, कब बना तू अच्छा दोस्त मेरा? और वो हस्बैंड होता है यहाँ आकर अंग्रेजी झाड़ रहा है, बड़ा आया। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जाओ बेटी, जरा चाचा के लिए थोड़ी मिठाई और शरबत ले आओ, जाओ। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, वो हमें इस तरह छोड़कर चले जाएंगे, सोचा नहीं था। सच में, मैं कुछ दिनों के लिए अदर प्लेस चला गया था, उसके बाद जैसे ही हियर किया, मैं रनिंग करते चला आया। समीर, सिस्टर, आपकी बेटी तो विंड की रफ्तार जैसे वॉक करती है, अभी को और अभी काम है? बेटी नहीं, बेटियां। प्रिया और टिया, ये जुड़वा है, ये देखने में, चलने फिरने में, बातचीत करने में एक जैसी है। अरे वाह, मैं कैसे अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि कौन प्रिया है और कौन टिया? दरअसल मैं माँ हूँ ना, इसीलिए समझ जाती हूँ। फिर भी इन्हें पहचानने के लिए इनके नाम के अक्षर अंगूठी में पहना रखा है। दूसरों के लिए उसे देखकर पहचानने के अलावा और रास्ता नहीं है। यस यस। मैं यहाँ कम हुआ हूँ किसी एक काम से। किस काम से? मैं आप लोगों की शॉप, मतलब दुकान बाय करना चाहता हूँ। समीर के साथ बिफोर ही चर्चा हो गई थी, वो भी तैयार था, पर उसके बाद ही। झूठ है, झूठ है सब। नहीं आरती, तुम बिल्कुल तैयार मत होना, ये धोखेबाज है। इस बारे में तो उन्होंने हमें कभी कुछ नहीं बताया। टाइम कहाँ मिला उसे? हाँ, ये बात भी है। सिस्टर, अब आप सिर्फ माँ बेटियाँ हैं, आप लोगों को मनी की जरूरत तो है ही। हाँ, लेकिन
मैं 50,000 रुपए दूंगा। अगले शुक्रवार को मैं आऊंगा विद कागज। ज्यादा थिंक मत करो, ठीक है समीर? अरे जिस दुकान की कीमत अभी कम से कम 10 लाख रुपए होगी वहाँ सिर्फ 50,000। इस फोटो में इन्होंने एक हाथ भी नहीं रखा जिससे मैं इसे थप्पड़ मार सकूँ। हाँ। ओके सिस्टर, तो फिर मैं अब चलूँ? हाँ नमस्ते। निकल जा मेरे घर से। आज की मॉर्निंग बहुत गुड है। शॉप बाय करने के बाद और भी गुड लगेगी। आइए काका। हाँ, ये क्या, तुम लोगों ने शॉप खोल ली है? सिर्फ खोली ही नहीं, हम चला भी रहे हैं। चाय पियेंगे क्या? नहीं नहीं, मुझे वर्क है, मैं चलता हूँ। ये क्या सिस्टर, आप कैसे मान गई? हाउ? भैया आप क्या मान ली? आपकी बेटियाँ सड़क के किनारे शॉप चला रही हैं। लोग क्या कहेंगे, थिंक किया है आपने? इसमें सोचने की क्या बात है भैया, वो तो उन्हीं के पिता की दुकान है, वो तो उसे चला ही सकती है। यस, पर लड़कियों को ये सारे वर्क करना शोभा नहीं देता, शादी नहीं दे पाओगी आफ्टर में, तब समझ में आएगा। मेरी बेटियाँ आज की लड़कियाँ है, वो लोग सब कुछ संभाल लेंगी। आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन वो लोग रेस्टोरेंट खोलकर अपने पिता के सपने को पूरा कर दे। जरूर होगा, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं घर जा रही हूँ, तुम ये सब समेट कर घर चली आना, ठीक है? हाँ तुम जाओ, माँ से कहना बस मैं समेट कर आ जाती हूँ। अरे प्रिया, हाउ आर? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं काका? मैं भी गुड था, पर तुम्हें सी करने के बाद दिल बैड हो गया बेटा। क्यों काका? एक तो यहाँ तुम काम करके डाई हो रही हो, और तुम्हारी सिस्टर समझती है ये सब सिर्फ उसकी वजह से चल रहा है। टिया, नहीं नहीं, वो ये सब नहीं सोचती। मैंने भी पहले यकीन नहीं किया, पर खुद अपने ईयर से सुना, वो तो अंदर ही अंदर कुछ ही दिनों में दुकान को अपने नेम कर लेने का प्लान बना रही है। अरे काका, आप दौड़ कर आ रहे हैं, सब ठीक तो है ना? नो 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 नो, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी सिस्टर प्रिया, उसके साथ टॉक हो रही थी, उसने एक डाइजर बात बोली। क्या? अरे डाइजर मतलब आहा, मुसीबत मुसीबत। ओह डेंजर, कैसी मुसीबत? वो कह रही है कि तुम चाहे कितना भी गुड़ खाना क्यों ना पकाओ, पर वो शॉप सिर्फ उसके काम की वजह से चल रही है। हाँ। क्या प्रिया ने ऐसा कहा है? हाँ, और नहीं तो व्हाट? और वो टॉक कर रही थी कि अगर वो ना होती तो दुकान कब का क्लोज हो जाता। हाँ। ऐसा है? हाँ ऐसा ही है, तुमसे लगाव है इसलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, लेकिन वो सब कुछ अपने नाम पर करने के लिए चाल चल रही है। उसके ये सब करने से पहले ही तुम सब सेल कर दो, समझी? हाँ। उसने ऑर्डर गिव की क्या? हाँ, वो पास वाले क्लब में कल स्पोर्ट्स है, इसलिए चाय और नाश्ता चाहिए। गॉड ने तुम्हें मौका गिफ्ट किया है। कैसा मौका? टिया का नाम बैंड करने का। तुम चाय में नमक और घुगनी में ढेर सारा मिर्च पाउडर फिक्स कर दो, समझ गई? क्या आप मिक्स करने की बात कर रहे हैं? हाँ, यस यस यस, डू करो, तभी उसे सबक मिलेगा, मतलब एजुकेशन। लगता है अब तक टू मच लड़ाई हो रही होगी, प्लान बनाकर सी करके ही शांति मिलेगी।
आइए काका आइए, चाय पियेंगे क्या? ये लो ऑर्डर के बाकी के रुपये। चाय और घुगनी हम सब ने कल बहुत मजे से खाई थी, बहुत ही बढ़िया थी वो। ये लीजिए काका खाइए। कैसा लगा आपको? आपकी चाल आप ही पर भारी पड़ गई ना? क्यों? आपने तो पहचानने में गलती कर दी, पर हमने इंसान पहचानने में कोई गलती नहीं की। ये देखिए